हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक हाई स्पीड सीलिंग फैन आया हुआ है। लोग देख सकते हैं इसमें चलते समय बहुत आवाज़ करता है। मैं आप लोगों को सुनाता हूँ चालू करके, इसको स्विच बोर्ड में चला के आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसी आवाज़ कर रहा है। तो ये हमें तो अभी आवाज़ ये नहीं कर रहा, लेकिन कस्टमर का कहना था कि ये जब चलते समय बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, कटकट की आवाज़ आता है। तो चलिए पहले मैं इसको खोल के देख लेता हूँ। ये देखता हूँ पहले इसको। चारों स्क्रू को मैंने खोल लिया है और इसकी मैं पेचकस की मदद से दोनों तरफ से पेचकस लगा के इसको आराम से उठा लूँगा। इसके पीछे का वायरिंग डिस्टर्ब लग रहा है तो इसको मैं बदल लूँगा। तो चलिए मैं इसके ढक्कन को पहले खोल लेता हूँ पेचकस लगा के, उसी इसको काट ठोक के निकाल लिया हूँ। ढक्कन निकल आया है। ये जो ऊपर की बैरिंग है ये नई लगी हुई है, तो नीचे की बैरिंग चेंज करना है। ये एकदम फ्री घूम रही है, तो मेरे पास कोई टूल नहीं है, इसलिए मैं कुछ जुगाड़ की मदद से बैरिंग नीचे वाली निकाल रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रकार बैरिंग निकालते समय काफ़ी दिक्कत भी हो सकती है। यदि ये छूट गया तो तार कटने की संभावना रहती है। तो मेरे पास कोई पुलर वगैरह नहीं है, तो मैं इसी प्रकार से हो गया निकाल लेता हूँ इसकी जो बैरिंग पीछे की ख़राब है। तो ये रही मेरे पास न्यू बैरिंग, तो इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। ये 6201 बैरिंग है नंबर इसका। तो इस ढक्कन में मैं इसको अब अच्छे से दबा के टाइटली कस देता हूँ। वैसे भी इसमें टाइट ही बैठ जाती है, टाइट रहती है। बैरिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये जो ऊपर की बैरिंग लगी हुई है तो इसमें मैं अच्छे से ग्रीसिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी सूखी हुई लग रही थी, तो ग्रीसिंग कर दूँगा तो जिससे ये लंबे समय तक फिर से चलती रहेगी। तो ये ग्रीसिंग हो चुकी है। दोस्तों, जो इसका रिंगर है इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन लगा हुआ था, तो मैं रेत मार कागज़ की मदद से इसको मैं अच्छे से फ्रेश कर लिया हूँ। तो अब मैं इसका जो ये ढक्कन है इसको अच्छे से फ्रेश करके इसमें रिंगर को इसको बैठा लेता हूँ। तो रिंगर इसमें लग चुका है। चलिए अब मैं इस मोटर को इसको फिट कर लेता हूँ। ढक्कन को टाइट बैठाने के बाद इसको घुमा के चेक कर लेना है। मोटर को फ्री घूमना चाहिए, फिर इसके बाद हमको सारे पेचों को कस देना है। चलिए एक एक करके मैं सभी वोल्ट इसमें कस लेता हूँ। तो आमने सामने के वोल्ट को हमेशा कसना है, एक तरफ से सभी को नहीं कसते जाना है। यदि एक तरफ से कस देंगे तो ये मोटर जाम हो सकती है, तो इसलिए आमने सामने के पहले सभी नट को कसना है, फिर बाद में सभी को। तो चलिए मैं इसको स्विच बोर्ड से चेक करके देखता हूँ कि मोटर अभी सही है या नहीं है, क्योंकि ठोक पीट करते समय खोलते समय काफ़ी हो जाती है, तो मोटर बंद होने के चांस रहते हैं। तो मैं इसको स्विच लैंप से चेक कर लेता हूँ कौन सा जी करंट आ रहा है। चलिए इसको चेक करते, तो लाल और लाल में पहले मैं चेक करूँगा। तो ये मोटर सही बता रहा है, बॉडी अर्थ भी चेक कर रहा हूँ तो नहीं है, बॉडी अर्थ सही नहीं बता रहा है। और ये काली काली ये भी सही है, बॉडी अर्थ नहीं है। तो मोटर हमारी एकदम ओके हो चुकी है। बाकी ये आवाज़ अब इसमें से भी ज़रा से भी नहीं आ रही। चलिए अब मैं इसमें कंडेंसर क्लैंप का कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन करते समय एक लाल और एक काली को आपस में टच कर देना है, और ये जो बाकी के दो कंडेंसर की वायर बची हुई हैं इसको एक काली से एक लाल से कनेक्ट कर देता हूँ। लाल से कनेक्ट कर दिया है, बाकी एक बची है कंडेंसर की वायर, तो इसको मैं काली से कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब इसको मैं सीरीज में चेक करता हूँ। ये जो लाल ये वाली वायर है, काली लाल एक साथ टच है, और जो कंडेंसर की लाल वाली है इसमें हमको करंट की हमेशा सप्लाई देना है, काली वाली में नहीं देना, काली वाली को रखना है कॉमन। तो चलिए इसमें फांसने पर सही चलना चाहिए। तो ये मोटर सही चल रही है। तो चलिए अब मैं इसमें लीड का कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर इसको मैं चला के देखता हूँ कि ये कैसा चल रहा है, आवाज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको मैं पेचकस की मदद से इसको उठा लूँगा। चलिए सही, इसको फिर से टेस्ट करने वाला हूँ। मोटर सही हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।